हेलो दोस्तों, मैं हूं सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो दोस्तों, मैं वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूं और मैं एक बाइक मैकेनिक हूं। तो मेरे पास जो बाइक आया है हीरो कंपनी का स्प्लेंडर BS6 वाला बाइक। तो दोस्तों, बैटरी का तार खोलने से बाइक हम लोग का चलेगा स्प्लेंडर बाइक में खास करके। लेकिन जो ये बाइक है स्प्लेंडर बाइक है, इसमें हम लोग बैटरी का टर्मिनल जब भी हम लोग ओपन कर रहा है बाइक जो है बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं ले रहा है। तो अभी हालात जो है बिना बैटरी का बाइक अभी हम लोग का स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का शॉप में अगर आपकी बाइक में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को 100% पता चलेगा जो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, पूरे का पूरे जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रीजन में हम लोग का होता है RR यूनिट और आर्मीचर कॉयल। तो चलिए इस सब प्रोसेस करेंगे और चेकअप करेंगे। तो चलिए आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, बाइक में कोई भी मिसिंग नहीं है। बाइक हम लोग का एकदम झकास स्टार्ट हो रहा है। बैटरी का तार खोलो। बंद। गाड़ी जो है स्टार्ट हरगिज हर हाल में नहीं लेगा, नहीं ले रहा है। तो चलिए रीजन क्या है देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो स्टेप होता है हम लोग को ये देखना है जो इंजन से हम लोग का एसी करंट अगर सप्लाई देगा तब जाएगा कहाँ, RR यूनिट में। तो RR यूनिट हम लोग अभी चेकअप नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेकअप करेंगे आर्मीचर कॉयल जो इंजन के अंदर होता है। तो दोस्तों, ये जो हम लोग का होता है सफ़ेद कलर की वायर और एक हम लोग का हरा कलर की वायर, ये दोनों हम लोगों का आर्मीचर कॉयल से आएगा। तो इसका पहले हम लोग ओम चेकअप करेंगे जो इसका कंडीशन गुड कंडीशन है या बैड कंडीशन है। तो 200 ओम्स पर हम लोगों को रखना है ना। तो दोस्तों, हमने लगा दिया है लेकिन हम लोगों का ओम्स हल्का भी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, आर्मीचर कॉयल हम लोगों का ख़राब हो चुकी है और ज़्यादा कुछ छेड़ने का आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम जो है हम लोग का आर्मीचर कॉयल में है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ प्रूफ करके जो क्या कहाँ फॉल्ट है। तो दोस्तों देखिए, आर्मीचर कॉयल का कंडीशन जो क्या है, कैसे कटा है आर्मीचर कॉयल का कंडीशन। ओ नो सिट, ये बूज जो है किसी ने चेंबर खोला था शायद। खोलने के बाद क्या किया है, ये वाला बूज है, नीचे वाला एक बूज, ये बूज मैग्नेट के अंदर था और इसकी वजह से हम लोग का क्या हुआ है, कॉयल जो है कट गया है। तो कॉयल का कंडीशन, ये कॉयल सही हो जाएगा लेकिन जगह जगह खरोच है। तो चलो इस कॉयल को हम लोग रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, एक ही तार हम लोग का कटा हुआ है यहाँ हिस्से में और यहाँ थोड़ा खरोच है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, काम हो जाएगा। सिर्फ हमको तार को लगाना है, इसका ओम्स देखना है। ओम्स अगर सही रहे तो ये आर्मीचर कॉयल चल जाएगा। तो चलो आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो दोस्तों, मैंने तार को ज्वाइंट किया, अब इसका ओम्स चेकअप करेंगे। अगर ये शॉर्ट रहेगा तो फिर काम नहीं बनेगा, तो हम लोग को ओम्स ही चेकअप करना है। तो चलिए ओम जो है 1.8 1.7, बहुत गुड कंडीशन है। ग्राउंड है, ये ग्राउंड शो करेगा और यानी कि ये जो है यहाँ से हम लोग का ओम्स हिसाब से काम करेगा। तो अगर हम लोग को फाइनली चेक करना है तो दोनों वायर हम लोग को खोल के चेकअप करना है। तो अभी हम लोग चेकअप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का ओम जो है परफेक्ट है, ओम्स गुड कंडीशन बता रहा है। गुड कंडीशन नहीं बताता तो फिर हम लोग आर्मीचर कॉयल चेंज करता। तो चलो बाइक में लगाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो बैटरी का तार खोलो। तो दोस्तों, बैटरी का तार हमने ओपन कर दिया है और बाइक जो है एकदम स्टार्ट बंद नहीं हो रहा है। तो इस बाइक में फॉल्ट क्या था, आर्मीचर कॉयल की।
कैसे हुआ था, एक मैकेनिक भाई ने गलती किया था, उस गलती की वजह से ऐसा हुआ था। तो ये सब छोटा मोटा चीज़ भी हम लोग का इम्पोर्टिंग होता है। तो जैसा जब भी आप लोगों का बैटरी खोलने से बाइक बंद हो जा रहा है तो आप लोग एक बार आर्मेचर कॉइल की ओम्स चेकअप कर लो, बगैर खोले आप लोगों को पता चल जाएगा ओम्स अगर सही रहे तो फिर आर आर यूनिट ख़राब हो सकता था, वायरिंग भी ख़राब हो सकता था। तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।